I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me. और आप सबकी एक्साइटमेंट का लेवल देखते हुए हम जा रहे हैं Hyundai के शोरूम अपनी गाड़ी लेने, तो आइए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आप देख रहे हो व्लॉग में मैं हो चुकी हूँ रेडी शेडी। क्यों हो चुकी हूँ? डेली मैं आप सबको एक ही बात बोलती थी कि हमने लेनी है गाड़ी। तो आज फाइनली वो भागो वाला दिन आ चुका है जब हमारी गाड़ी आनी है। इतनी देखने के बाद, इतनी कैंसिल कराने के बाद, सारी सिरसा की एजेंसियां घूमने के बाद फाइनली हमने अपनी एक गाड़ी फाइनल कर दी है, जिसकी हमें आज डिलीवरी मिलने वाली है। और आप सबको भी दिखाने वाली हूँ कि वो कौन सी लकी कार है जो हम लेने वाले हैं। लकी तो बिकॉज होगी, क्योंकि उस गाड़ी के लिए गाइस हम बहुत ज्यादा घूमे हैं, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत एजेंसियां घूमे हैं। लेकिन वही है ना कि जो किस्मत में होती है वही है ना। और गाड़ी मतलब एक गाड़ी एक फैमिली मेंबर की तरह होती है। और हमने आज तक यही है ना कि नई गाड़ी कोई ली है, पहले दो ली हैं, वो सेकंड हैंड ली हैं। इस बार तो मेरी भी जिद ये थी कि हम लेंगे, न्यू कार लेंगे इस बार। शोरूम से निकले बाद तो पुरानी हो ही जाएगी, बट एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ाते हुए और व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए मैं होती हूँ रेडी और आप सबको दिखाने वाले हैं वो गाड़ी। सो व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। रेडी हो चुकी है, कहती है मेरे को आपने व्लॉग के अंदर नहीं लिया। और धीरज रेडी, आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है? घर में एक न्यू मेंबर आ रहा है। टाइम आ गया, आधा घंटा रह चुका है सिर्फ। पैसे दे दिए, मेरे को विश्वास है आप पे, विश्वास है मेरे को आप पे। रेडी हो जाओ, रेडी हो, चल रहे हैं। पहले दर्शन, दर्शन शाम को 5:30 खुल जाएंगे, पूजा भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आप खड़े होके बस रेडी हो जाओ। ये गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ना प्राणी, ये चाहता था सेकंड हैंड गाड़ी लेना, बट आपको पता है मेरी जिद के कारण गाड़ी आ रही है बिल्कुल हमारे घर ब्रांड न्यू। और गौरी ने छपवाने अपने पैर उस पे, सो देखना व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये व्लॉग भी बहुत बड़ा होने वाला है। सो चलते हैं, तैयार हो चुके हैं और वेट खत्म होने जा रहा है और हमें गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी। इधर सोनी कर रही है तैयारी है, मेरे लिए नारियल, पूजा के लिए और चार नींबू जो कि गाड़ी शोरूम से पहले निकालने में टायरों के नीचे रखने के लिए, और इसे कहते हैं बुरी नजर उतरती है। साथ में गौरी ने पाव छापने है उसके लिए ये लाल वाला सिंदूर। और सबसे पहले जो सबसे मेन है, क्योंकि आज है बुधवार और बुधवार किन का दिन होता है? गणपति जी का। सबसे पहले हम गाड़ी में अपने गणपति जी को विराजमान करेंगे और उसके बाद करेंगे हम अपने लड्डू जी को विराजमान। वो भी नई ड्रेस डाल के तैयार है, आपको दिखाती हूँ। साथ में देखो एक्साइटमेंट, गाड़ी का परफ्यूम भी ले आई हूँ मैं, मतलब ना कुछ रहना नहीं चाहिए, गाड़ी आने से पहले सब कर देंगे। सो लड्डू को दिखाओ सबसे पहले, कितना सुंदर लग रहा है। वो रूम में बैठा है, लड्डू सोया पड़ा था, उसको अचानक उठाया गया है कि साथ चले, क्योंकि चाबी तो उसी ने पकड़नी है गाड़ी की। और ये हमारे लड्डू जी तैयार होके बैठे हैं, ये देखो, हाँ चाबी लेने के लिए तैयार है ना गाड़ी की। ये देखो गाइस कितने खुश हैं। चलो सबसे पहले से लड्डू और मैं करेंगे। हाँ तुम दोनों चाबी पकड़नी है, ठीक है? पूजा की तैयारी हो चुकी है, मैं सारा सामान पैक करती हूँ और आपको बस अब घर से निकल के ही मिलती हूँ। गाइस ये है हमारे कार बॉय, बर्थडे बॉय तो कह नहीं सकती, बर्थडे से पहले गाड़ी आ रही है कार बॉय। तूने चलानी है? नहीं मैंने चलानी है, बट आपके लिए, आपकी लुक तो दिखाओ सबसे पहले। देखो गाइस कितनी सुंदर लुक लग रही है। और ये वाली शर्ट जो है ये मैंने इनको गिफ्ट करी है मंगवा के ऑनलाइन, क्योंकि बोरी, दिस इज फैशन नॉट बोरी। सर्दी में काम आ जाएगी, सर्दी में यार ये इम्पोर्ट स्टफ ऐसे ही होते हैं, आपको गलती लग रही है, ये इम्पोर्टेड है। एक तो इतनी कॉस्टली मंगवा के दी है, ऊपर से ऐसे बोल रहे हो, ब्रांड की शर्ट अलग ही दिखती है, यहाँ नहीं मिलेगी ऐसी। लेट ना कर, लेट हो जाएंगे। बस बस चल, नहीं आती गाइस, मौसम भी खराब हो रहा है, हमें ये है कि मौसम सही रहने से पहले पहले हम ले आए गाड़ी। ये है लड्डू जी भी तैयार है यहाँ पे, सब वेट है तो सिर्फ मम्मी औरों का। मम्मी और ही आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अकेले तो हम जाएंगे नहीं डिलीवरी लेने, मम्मी और ही आते हैं बस फिर चलते हैं। मम्मी भी आ चुकी है रेडी होके, एक्साइटमेंट है मम्मी गाड़ी की बहुत। मेरे को तो रात को नींद ही नहीं आई। अच्छा खुशी से? गाइस मेरे को तो रोना आ रहा है, मैंने गाड़ी ली है देख लो ना। सो गाइस हम ले रहे हैं मिठाई, लड्डू का डब्बा और रसबरी का डब्बा, सो मिठाई लेते हैं उसके बाद चलते हैं एजेंसी। हेलो गाइस, फाइनली हमारा ड्रीम पूरा हो चुका है और आप सबकी एक्साइटमेंट का लेवल देखते हुए हम जा रहे हैं Hyundai के शोरूम अपनी गाड़ी लेने, तो आइए चलते हैं।
me a sign, a sign. I feel like I'm losing my. लगी हुई खड़ी है पूरी, है ना? चक दे. अभी नहीं. और. Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. My dream car. अभी नहीं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट और उसके बाद गोरी उठाएगी. नहीं अभी रुक जाओ, अभी सबसे पहले हमने लड्डू जी को बिठाया है इसके ऊपर. कौन सी है समझ नहीं आ रहा गाड़ी, है ना? तो गाइस आप लोग कमेंट करो, वैसे थंबनेल देख लिया होगा बट कमेंट करके बताओ कौन सी है हमारी ड्रीम कार. यहाँ मंगवाई है हमने चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक. यहाँ चल रही है अभी कुछ फॉर्मेलिटीज. वैसे मुझे तो वेट नहीं हो रहा और शायद आप सबको भी नहीं हो रहा होगा देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी है हमारी. पूरा ढंग से खा पी लेना, ठीक है? क्यों? बहुत महंगी गाड़ी ली अपने, तो फिर कोई कमी पेश नहीं छोड़नी है अपन. देख लो ये कॉफी और कोल्ड ड्रिंक बहुत महंगी पड़ी है ना. कितने लाख की पड़ गई कोल्ड ड्रिंक? कई लाख की पड़ गई है ना. कहाँ आई थी नींद? आई नहीं, एक्साइटमेंट. मैं तो चैन से था, एक्साइटमेंट. मैं तो अभी लेने नहीं आ रहा था, कैसे ले आई खींच के मुझे. कितनी गाड़ी ली अड्डी इसने ब्लॉग में बताया ये बात. हाँ गोरी की मौजी हो गया ना. मेरे को तो रात को बहुत खुशी थी और मेरे को रोना आ रहा है, मैंने गाड़ी ली है. एक्साइटमेंट होती है ना बच्चे में, वो इसको ज्यादा हो गया. क्या कह रहे हो आप? मैं गोरी ज्यादा खुश हो रही है ना. एक्साइटमेंट थोड़ी देर में खत्म हो गई. सो गाइज वेट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और आप सबका भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी मुझे पता है गाड़ी देखने के लिए. बट देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा. कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो हम पूरी कर रहे हैं, कुछ चाय कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं और फिर उसके बाद गाड़ी रिवील कर रहे हैं. गाइस मैं तो इंतज़ार करते करते थक गई हूँ, इनकी फॉर्मेलिटीज ही नहीं ख़त्म होने पे आ रही हैं. इंश्योरेंस है. अच्छा टेम्प्रेरी नंबर आ गया, टेम्प्रेरी नंबर. बट गाड़ी का समझ नहीं आ रहा अभी क्या वेट है, कितनी फॉर्मेलिटी रह गई है, है ना? बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा गाड़ी लेने के लिए. बहुत 2-3 घंटे हो गए हैं, अभी 2 घंटे और लग जाएंगे. गाइस देख लो न्यू मेम्बर के लिए हमें कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है. फाइनली हमारी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है और इसी के साथ हम ये वाला ब्लॉग करते हैं दी एंड, क्योंकि नेक्स्ट वाले जो ब्लॉग के अंदर आपको पता लगेगा गाड़ी कौन सी है, क्योंकि हमें करना पड़ रहा है बड़ा इंतज़ार और मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी इंतज़ार करो क्योंकि हमारे घर पे न्यू मेंबर, न्यू कार आ रही है. आप सबको भी पता लगे कि वो कौन सी कार आ रही है. सो इसी के साथ ब्लॉग का दी एंड करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके गाड़ी का नाम ज़रूर बताना और नेक्स्ट व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू. एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड ब्लाइंड, प्लीज लॉर्ड गिव मी अ साइन, अ साइन.